चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों की यूट्यूब की आम्रपाली दुबे के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हाँ, वैसे तो आप आम्रपाली दुबे को तो बड़े पर्दे पर लटके झटके करते हुए भोजपुरी दर्शकों ने बेहद ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन अब आम्रपाली दुबे अभिनेत्री से नेता बनने की कवायद की तरफ मुड़ चुकी है। जी हाँ, मीडिया से यह खबर आ रही है कि आम्रपाली दुबे समाजवाद पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि खबर आ रही है कि आम्रपाली दुबे साइकिल से गोरखपुर से लोकसभा में किस्मत आजमा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इस बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शायद आम्रपाली दुबे गोरखपुर से लोकसभा में किस्मत आजमा सकती है। अब देखना यह है कि आम्रपाली दुबे को भोजपुरिया फैंस कितने ज्यादा पसंद करते हैं, यह तो आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो आम्रपाली दुबे के फैंस के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मीडिया से और भी खबरें आ रही है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ भी समाजवाद पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में रवि किशन ने भी बीजेपी ज्वाइन किया था और इसके बाद सुपरस्टार पवन सिंह ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया था और अभी कुछ दिन पहले ही भोजपुरी गायिका कल्पना ने भी बीजेपी को ज्वाइन करके सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। अब ऐसे में देखना है कि क्या वाकई में ही आम्रपाली दुबे समाजवाद पार्टी से लिए चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाली है, यह तो आने वाले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा।